नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार सरकार के मंत्री कपिल देव कामत ने दुनिया को कहा अलविदा। बिहार सरकार के मंत्री कपिल देव कामत ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। मिली जानकारी के अनुसार कई दिनों से उनकी स्थिति काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई थी। उन्हें कोरोना का संक्रमण हुआ था, जिसके बाद उन्हें हफ्ते भर में पटना एम्स में भर्ती करवाया गया था। हालांकि कपिल देव कामत को पहले से ही किडनी की परेशानी काफी ज्यादा थी, जिसके बाद ही उन्हें वेंटिलेटर पर लंबे समय तक रखा गया था। डॉक्टरों की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार उनकी हालत काफी नाजुक हो गई थी। डॉक्टरों की माने तो एक दिन के अंतराल पर उनका डायलिसिस भी किया जा रहा था। हालांकि बीच में उनकी हालत भी ठीक हो गई थी। मंत्री कपिल देव के जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री समेत कई लोगों ने भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मंत्री के असामयिक गुजर जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। कपिल देव जमीन से जुड़े नेता थे। आज दूसरे चरण के नामांकन का है आखिरी दिन। आगामी विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में नेताओं को लुभाने की कोशिश भी पुरजोर से की जा रही है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल भी फूक चुका है, जिसके तहत दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया आज खत्म हो जाएगी, जिसके तहत सुबह से ही प्रत्याशियों के नामांकन भरने की लंबी कतार देखने को मिली। ज्ञात हो इसके बाद विधानसभा चुनाव का आयोजन 3 चरणों में करवाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 28 अक्टूबर से होने वाली है, जिसमें कुल मिलाकर 71 सीटों पर प्रत्याशी भिड़ने वाले हैं। वहीं दूसरे चरण का चुनाव 3 नवम्बर को करवाया जाएगा, जिसमें 94 सीटों के लिए प्रत्याशी भिड़ने वाले हैं। वहीं तीसरे चरण का चुनाव 7 नवम्बर को 78 सीटों पर करवाया जाएगा। वहीं दूसरे चरण के नामांकन के बाद तीसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया 20 अक्टूबर तक जारी रहने वाली है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे विशाल सिंह और शशि राठौर की। पेशे से क्रिकेटर विशाल सिंह का जन्म आज के दिन साल 1994 में बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। विशाल सिंह एक भारतीय क्रिकेटर है जो झारखंड के लिए खेलते हैं। उन्होंने 13 नवंबर 2014 को विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी सूची एक की शुरुआत की थी। वहीं शशि राठौर की बात करें तो शशि भी पेशे से क्रिकेटर ही है, जिनका जन्म आज के दिन बिहार की राजधानी पटना में साल 1994 को हुआ था। शशि राठौर की झारखंड के लिए ही खेलते हैं। उन्होंने 7 जनवरी 2016 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपना 2020 डेब्यू किया था। इसके बाद ही उन्होंने 6 मार्च 2017 को विजय हजारे ट्रॉफी 2016-17 में झारखंड के लिए अपनी सूची एक की शुरुआत की थी। नित्यानंद रॉय ने राजग को पूर्ण बहुमत मिलने की कही बात। महुआ में राजग समर्थित जदयू उम्मीदवार डॉक्टर आसमा परवीन के नामांकन सभा में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद रॉय ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव और राजद के महुआ के लोगों के साथ धोखा किया है। ऐसे धोखेबाज दल को यहां की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर आसमा परवीन ने महुआ के लोगों के साथ रहकर पूरी निष्ठा के साथ सेवा का काम किया है, अब इन्हें इनाम देने का वक्त आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने सभा का संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों को भी गिनवाया है और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पारदर्शिता से देश और राज्य लगातार विकास की राह पर चल रहे हैं। नासा टूर में पटना के लाल को मिली जगह। बिहार युवाओं की प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जिसका परिणाम आए दिन देखने को मिल जाता है। इसी क्रम में बिहार में एक बार फिर से एक छात्र ने अपनी प्रतिभा का प्रमाण पेश किया है। राष्ट्रीय स्कूल सुपर लीग में पटना के डीएवी बीएसईबी के 10वीं के छात्र उत्कर्ष राज को अब नासा ट्रिप पर जाने का मौका मिला है, जिसको लेकर उत्कर्ष ने बताया है कि कोरोना के बाद नासा ट्रिप पर ले जाया जाएगा। पहला राउंड ऑनलाइन हुआ था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राष्ट्रीय स्तर पर इनमें 3 राज्य हैं, जिसमें छात्र के विजेता को इनाम दिया गया है, जिसमें पहला स्थान ओडिशा, दूसरा स्थान झारखंड और तीसरा स्थान बिहार को मिला है। वहीं बिहार का नाम रोशन करने वाले उत्कर्ष राज ने बताया कि अभी हमें 1 लाख रुपए का इनाम भी मिला है। सीबीएसई मार्कशीट और सर्टिफिकेट में करने जा रहा है बदलाव। अब सीबीएसई मार्कशीट और सर्टिफिकेट में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इन दोनों अहम दस्तावेजों पर अब प्रचार्य का डिजिटल हस्ताक्षर होगा। इसके लिए सीबीएसई ने सभी स्कूल के प्रचार्य से डिजिटल सिग्नेचर देने को कह दिया था। सभी के हस्ताक्षर बोर्ड को भेज दिए गए हैं, जिसकी शुरुआत बोर्ड ने 9वीं और 11वीं के रजिस्ट्रेशन में और 10वीं और 12वीं के लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स भरने के लिए की है। ज्ञात हो पहली बार स्कूल प्रचार्य का डिजिटल सिग्नेचर लिया जा रहा है, जिसमें प्रचार्य के सिग्नेचर के लिए छात्रों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मार्क्स वेरिफिकेशन, प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन का काम जल्दी होगा। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय और स्कूल के बीच होने वाले सारे काम में तेजी आएगी। प्रचार के डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल स्कूल स्टाफ द्वारा किया जा सकेगा। प्रचार के स्कूल में उपलब्ध नहीं होने पर भी छात्र का काम आसानी से हो जाएगा। मनोज झा ने सुशील मोदी को मिजोरम शिफ्ट करने की कही बात। राजद सांसद मनोज झा आए दिन सत्तारूढ़ सरकार पर निशाना साधते नजर आए थे, वहीं एक बार फिर से उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है, खासकर कि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के शिफ्टिंग तक की बात।
बात उन्होंने कह दी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव द्वारा नामांकन दाखिल में तथ्यों को छिपाने की बात सुशील मोदी ने कही थी, जिसको सुनने के बाद ही उन्होंने कहा कि श्री मोदी जी अपना सोचे। मनोज झा ने दावा किया है कि भाजपा ने तय कर लिया है कि बिहार चुनाव के बाद सुशील मोदी को मिजोरम का राज्यपाल बना दिया जाएगा। सुशील मोदी को तेजस्वी के धन संपत्ति से परेशानी है तो वो इनकम टैक्स से बात कर ले। प्रधानमंत्री मोदी 23 से करेंगे चुनावी सभा का आगाज। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर से मोदी कार्ड खेलने वाली है और यही कारण है कि चुनाव से पहले और पहले चरण के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं। साझा की गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर से बिहार विधानसभा की कमान संभालेंगे, जिसके तहत 23 अक्टूबर को वो गया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष धनराज शर्मा ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी है, जिसके तहत मोदी कुल मिलाकर 12 जनसभाओं का हिस्सा बनेंगे, साथ ही 28 अक्टूबर को राजधानी पटना में जनसभा का संबोधन करेंगे। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी किया भाजपा का रिपोर्ट कार्ड। एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भाजपा का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जिसके तहत भाजपा की तरफ से किए गए कामों का ब्यौरा भी पेश किया है। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस का संबोधन करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एनडीए ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, जिसके साथ ही उन्होंने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार में किए गए उपलब्धियों को भी गिनवाया है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि आज पटना से मात्र 4 से 5 घंटे में कहीं भी पहुंच जाते हैं। हर गांव में बिजली गई है, पानी गई है, ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का काम किया जाएगा, जिसकी शुरुआत बिहार से होने वाली है। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार के विकास के लिए काम किया गया है और आगे भी करते रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने विपक्षी दल के पीढ़ी वाली राजनीति पर भी तंज कसा है और परिवारवाद को एक बड़ा मुद्दा बताया है। लालू प्रसाद यादव ने फिर किया नीतीश के खिलाफ ट्वीट। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कुर्सी के लालच में नीतीश कुमार ने बिहार को गर्त में पहुंचा दिया है। 2010 के चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के बाद सहयोगी दल के साथ विश्वासघात किया और 2015 में हमारे दम पर जीतने के बाद हमें धोखा दिया। नीतीश की कोई नीति, नियम और नियत नहीं है, अब तो वो नेता भी नहीं रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हर जनसभा में लालू राबड़ी राज पर निशाना साधते आए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि पहले कुछ काम होता था क्या, पहले आपदा में क्या होता था, आज जो लोग बोल रहे हैं उनके राज में कुछ होता था क्या। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विकास, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और गरीबी पर बात नहीं करने के लगाए आरोप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक के बाद एक आरोप लगाए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी अब थक चुके हैं, वो अब राज्य को संभाल नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं कि बिहार एक भूमि में घिरा राज्य है, इसीलिए यहां उद्योग का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि रोजगार का सृजन भी नहीं होगा। हालांकि इससे पहले भी सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव के नामांकन को लेकर सवाल उठा चुके हैं। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज एक दूसरे से भिड़ेंगी मुंबई और कोलकाता की टीम। आईपीएल के 13वें संस्करण का आज 32वां मैच खेला जाना है, जहां आज शाम को कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच अबुधाबी में मैच खेला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले मैच में मुंबई ने कोलकाता को 34 रनों से हराया था। ज्ञात हो मुंबई ने अब तक 5 मैच में जीत हासिल करके अंक तालिका में दूसरे स्थान पर जगह बना ली है। वहीं आज मुंबई एक और जीत दर्ज करके पहले स्थान पर पहुंचने की पुरजोर कोशिश करेगी। कोलकाता की टीम भी आज जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी, साथ ही अंक तालिका में अपनी जगह टॉप टीम में बनाने के इरादे से मैदान में नजर आने वाली है। मशहूर सिंगर सानू आए कोविड-19 की चपेट में। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कुमार सानू कोरोना की चपेट में आ गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कुमार सानू की तरफ से कोरोना की चपेट में आने की जानकारी साझा की गई है। कुमार सानू ने अपने संक्रमित होने की जानकारी फेसबुक से साझा की थी, जिसमें लिखा गया है कि दुर्भाग्य से सानुदा का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, प्लीज उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करें, शुक्रिया टीम कुमार सानू। हालांकि बीएमसी ने उस पूरे फ्लोर को सील कर दिया है जहां सानू रहते हैं। वहीं मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान उनकी पत्नी ने बताया है कि अगर उनकी तबीयत ठीक हो गई और वो ठीक महसूस करेंगे तो 8 नवंबर को यहां आ जाएंगे। फिलहाल वो क्वारंटाइन में हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वो ट्रैवल करने में ठीक महसूस नहीं करेंगे तो हम लोग ही उनके पास मुंबई पहुंच जाएंगे और वहां त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 73 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 63,371 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 73,70,468 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 895 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 112,161 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता देखा जा रहा है। जिस तरह से बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, उससे मंत्रालय यह अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद भारत में कोरोना का प्रभाव अपने ढाल की तरफ बढ़ने लगा है। आपको बता दें, भारत में अब तक कुल मिलाकर 64,53,779 मरीज ठीक हो चुके हैं,
जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 8,04,528 सक्रिय मामले बच गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर काम करेगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।